पर, और फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ देख सकते हैं पिलो कवर लगा रही हूँ मैं। एक्चुअली कल से सावन शुरू हो रहा है और आज मॉर्निंग से उठने के बाद अभी 10:30 होने वाले हैं और अभी तक मैं काम में लगी हुई हूँ। नाश्ता भी नहीं बना है मेरा। ईशान का आज से क्लास स्टार्ट था समर वेकेशन के बाद। काफी लंबी छुट्टी हो गई ना गर्मी के कारण बच्चों की। तो आज से ईशान गया है, स्कूल गया है। अभी 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी तो 12:15 तक वो आ जाएगा। तब तक तो कुछ बना ही लेंगे। लेट क्यों हुआ वो भी बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि आज बहुत ज्यादा साफ सफाई करनी थी। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि सावन भादो में, मतलब हिंदी में जो सावन भादो का महीना होता है, तो उसमें घर वगैरह झाड़ना नहीं चाहिए। जो जाले वगैरह लग जाते हैं तो उसको नहीं साफ करना चाहिए, क्योंकि मौसम खराब होता है ना, बारिश हमेशा होती रहती है। तो कहा जाता है कि जो जीव जंतु आपके घर में आश्रय लिए हुए हैं तो उसको उस समय बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर भी वो नहीं रह सकता है बारिश के कारण। तो उस समय सावन भादो ऐसा महीना माना जाता है जिसमें घर में जाले वगैरह जो होते हैं तो वो साफ नहीं, मतलब अच्छा नहीं माना जाता कि जीव जंतु को हम झाड़ के घर से बाहर निकाल रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा। तो इस वजह से सावन भादो के महीने में घर साफ नहीं किया जाता, मतलब जाले वगैरह नहीं साफ किए जाते। ऐसे तो साफ सफाई होती ही है, ऐसा तो है नहीं, झाड़ू पोछा ये सब तो करना ही रहता है। तो सोचे कि चलो आज पूर्णिमा है, आज अच्छे से सब साफ सफाई कर लेते हैं। और 7:15 में ईशान को नीचे छोड़कर हम आए हैं और तब से लगे हुए हैं। अभी 10:30 होने वाला है। सब घर की सफाई किए, झाड़ू पोछा, सब बेडशीट वगैरह सब चेंज किए, पंखा वगैरह सब साफ किए, मतलब घर का एक एक चीज नीट एंड क्लीन जितना भी कर सकते थे कर लिए हैं, किचन छोड़कर। किचन फिर किसी दिन साफ करेंगे, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इधर भी 2-3 घंटे लग ही गए। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन कौन सावन के पहले इस तरह की साफ सफाई करते हैं। और बेडशीट वगैरह चेंज करने का एक मेन रीजन ये हो जाता है कि कल से सावन है तो हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे हैं बहुत दिन से। लेकिन होता है कि अगर कोई घर में आए गए जो लहसुन प्याज खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, तो फिर वो सावन में तो मैक्सिमम नहीं ही खाते हैं लोग, मतलब मेरे यहाँ भी नहीं खाते हैं। जो लोग खाते हैं वो भी नहीं खाते, हम लोग तो खैर खाते ही नहीं है। तो ये सब भी एक मेन रीजन था कि चलो अब तो वो शुद्ध रहेगा। तो साफ सफाई शुद्धता का ध्यान पर त्योहार होता है तो आदमी रखता ही है। तो यही सब कारण है। और कल से बहुत ही अच्छा महीना शुरू हो रहा है, भोले बाबा का महीना शुरू हो रहा है। तो आप लोगों के ऊपर भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। और सब लोग, अभी तो सोमवार ही अगला वीक से आएगा, क्योंकि आज तो मंडे को ही पड़ गया पूर्णिमा। तो अब एक सप्ताह बाद सोमवारी करने को मिलेगा। इस बार सोमवारी भी काफी ज्यादा, मतलब 8 सोमवारी पड़ रहा है करने के लिए। जो लोग करेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा है, 8ों सोमवारी कर सकते हैं। और बारिश भी सावन में कंटिन्यू हो ही रही है, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। और कपड़ों का ये हाल है कि वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद मेरे पूरे घर में कपड़े डाले हुए हैं, चेयर पर, दरवाजे के ऊपर, जितना दरवाजा है सबके ऊपर बेडशीट डाला हुआ है। तो यही होता है बरसात में, बरसात आदमी गर्मी होने लगता है तो बरसात ढूंढता है, बरसात होता है तो फिर कपड़े वगैरह सुखाने का प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन मशीन का कपड़ा हो तो फैन के नीचे भी सूख ही जाएगा। तो चलिए बात बहुत ज्यादा हम कर लिए, अब जल्दी से पिलो कवर लगाकर किचन में जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाने, मतलब ब्रेकफास्ट लंच अब साथ ही साथ दोनों ही बनाना पड़ेगा। तो अभी साफ सुथरा हो गया है तो घर कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे भी साफ सुथरा घर तो अच्छा लगता ही है। और पर्व त्योहार आता है ना तो एक अलग ही तरह का रौनक आ जाता है। तो ये सब सारा बेडशीट वगैरह है जो निकाले हैं वॉशिंग मशीन से, और हर दरवाजे पे लटका हुआ मिलेगा बेडशीट, तो यहाँ भी डाल दिए, क्योंकि बेडशीट आज बहुत ज़्यादा था। पिछले बार भी नहीं धोए थे, मशीन में ही था, तो 5 बेडशीट हो गया था। तो सारे जगह डाल दिए हैं, क्योंकि रह रहकर पानी आ जा रहा है तो बारिश में तो सूखेगा नहीं, गीला हो जाएगा। और वॉशिंग मशीन से निकलने के बाद तो वैसे भी मतलब थोड़ा ही बहुत सूखने का ज़रूरत रहता है, तो फैन से भी सूख ही जाएगा। तो इस दरवाजे पर भी है, इधर भी है, और जितना भी पिलो कवर वगैरह था तो वो सब चेयर पर यहाँ डाल दिए हैं कि धीरे धीरे सूख ही जाएगा और दिन थोड़ा सा साफ करेगा, मतलब सूरज भगवान निकलेंगे, सूर्य देव, तो बाहर भी डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी बेडशीट वगैरह चेंज कर दिए हैं, और ये सब माँ हाथ से धोई हैं। तो माँ नहा कर, माँ को भी काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा वगैरह, डोरमेट वगैरह माँ भी साफ़ की हैं, और अब माँ पूजा करने जा रही हैं। तो पूजा के लिए हम तो सुबह ही पूजा कर लेते हैं, और ईशान भी पूजा करके ही स्कूल जाता है, तो माँ के लिए फूल ला के रखे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और बज चुके हैं 10:30, तो माँ को तो आज काफ़ी लेट हो गया, और हम आ गए किचन में बनाने के लिए, क्योंकि 10:30 हो चुका है तो जल्दी जल्दी बना दें।
तो हम बना रहे हैं खीर और बना रहे हैं दाल वाली पूड़ी। तो दाल को सो करके हम रख दिए थे, चने की दाल है सो करके रख दिए थे, और अब उसको जीरा और एक लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद इसको जब मतलब बिल्कुल ड्राई कर देंगे भूंज के फ्राई करके, तो इसको हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे, मतलब इसका एक पाउडर जैसा बना लेंगे स्टफिंग के लिए। और बनाना है मशरूम की सब्ज़ी, क्योंकि मशरूम इंसान को बहुत पसंद है, वही लेकर आया था, मतलब मेरे साथ गया था तो बोला मम्मी मशरूम ले लो। और भिंडी, जो कि सुबह उसको पराठा भिंडी खिलाए थे, तो वो भिंडी भी बची हुई है और मशरूम बना देंगे। तो अभी इसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है, खीर तो अभी मतलब दूध चढ़ाए हैं तो एक घंटा लग ही जाएगा। और इधर तब तक दाल को फ्राई कर लेते हैं और फिर दाल की पूड़ी बना लेंगे। तो अभी माँ तो पूजा ही कर रही है, बाद में हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ये हो गया शाम का टाइम और देख सकते हैं दोनों भैया ईशान के मिलके उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि ईशान का जो भी समर वेकेशन का प्रोजेक्ट था कंप्लीट नहीं हुआ है। एकदम हिमालय बना दिए संजू भैया, बड़ा बड़ा एकदम ले कैसे जाता है? ट्रक में कहा जाता है जितना के बाबू ना उतना के झुनझुना, उतना के झुनझुना तो लग ही रहा है ना अंशु। तो ईशान का प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें ईशान कुछ नहीं कर रहा है, ईशान बैठ के बिस्किट खा रहा है और भैया सब प्रोजेक्ट बना रहे हैं। साइड में ऊपर इसी से ब्लैक है बेटा, उसमें कलर लिख दीजिएगा उसी से, फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया नीचे नाम इसका लिख दीजिएगा। इसु बाबू गीला गीला जैसा हो गया ना, गीला फर्श पे भी चिपक गया। तो ईशान का प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो इस तरह से तो इस लिखने वाला तो ईशान कर लेता है लेकिन उतना फिनिशिंग नहीं हो पाता है, तो इस वजह से बोले कि रहने ही दो, अब नेक्स्ट ईयर से देखना, तो फिफ्थ में चले जाओगे तो खुद से ही करना। हालांकि वो बोला था मम्मी कर लेंगे, लेकिन पता है वो कितना कर पाएगा। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की, अंशु संजू सब मिलकर बनाए। और ये भी था मतलब ये मैथ का ही है, मैथ का दो था और ये मैच स्टिक से बनाना था, रोमन नंबर का और न्यूमरल्स का, और उसके अलावा SST और साइंस का भी प्रोजेक्ट था। ये SST का प्रोजेक्ट है, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, और साइंस में वाटर साइकिल का था। तो ये सब बच्चे उतना फिनिशिंग से नहीं कर पाते हैं, करने को तो कर लेंगे लेकिन उतना फिनिशिंग नहीं हो पाएगा। तो बोले चलो हेल्प ले लो भैया भैया सबका और बनवा लो। तो बच्चों ने बना दिया और काफ़ी अच्छा है ना। तो आप लोग बताइएगा, आपके बच्चे जब बनाते हैं तो आप लोग हेल्प करते हैं या बच्चे बना लेते हैं? क्योंकि मेरा बेटा तो अभी नहीं बना पाता है। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं विदा, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ईशान का बनाया हुआ प्रोजेक्ट मतलब ईशान का प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।